हे फूडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं प्राउन कढ़ाई। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून दही जिसको मैंने फेंट लिया है, 1 टी स्पून मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टी स्पून काली मिर्चें साबित, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टी स्पून साबित ज़ीरा, नमक भी आप हसबे ज़ायका ले लें, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर लिया है जिसको मैंने जूलियन काट लिया है, 6 हरी मिर्चें ली है मैंने जिसको 20 से 2 हिस्से कर लिए हैं, 6 टमाटर लिया है चॉप्ड, 1 किलो मैंने लिया है प्राउन्स, 1/2 बंच लिया है मैंने हरा धनिया और 1/2 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं आपके पास, जो जर्नल सी चीज़ें, तो बहुत जल्दी तैयार हो सकती है। आपके पास गेस्ट आ रहे हैं तो जल्दी झटपट से तैयार कर लें। सबसे पहले मैंने पैन लिया है जिसमें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी ज़ीरा, साबित धनिया और काली मिर्चों को। इसे मैंने गर्म किया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टी स्पून काली मिर्चें, ये भी साबित है, और 1 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसे हम हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक जो है इसका कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू सी ना आने लगे। ये मसाला जो है वो बहुत आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, दूसरी चीज़ों में भी शामिल करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, इससे बिल्कुल डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। इसे देखें, अच्छा सा रोस्ट करेंगे हम, ड्राई रोस्ट मुसलसल चलाते रहना है, इसे इसको घुमाते रहना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं और हल्की आँच है तो ये बहुत अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा हमारा। अब ये हो गया, अच्छा सा धुआं सा निकल रहा है, इसको मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसे ठंडा करके इसको मैंने पीस लिया है, मोटा दरदरा सा, बारीक नहीं पीसना है। इसे रखेंगे हम साइड पे। अब एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर 6 अदद बारीक चॉप, फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्चें, नमक और दही। अब इसमें इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जब तक जो टमाटर गल जाएंगे और मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये 7 मिनट हो गए, अब हम इसे ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल मसाला तैयार हो गया हमारा, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ये एक पेस्ट सा बन गया हमारे पास। टमाटर गल गए, इसे हम रखेंगे अब साइड पे। अब हमने लिए कढ़ाई और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल को हम गर्म करेंगे, जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ऑयल तो उसमें शामिल कर देंगे हम अपने झींगे और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। झींगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है पकाते हुए, आप बहुत ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, और जैसे ही गोल होना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो रेडी हो गए। ओवर कुक करेंगे तो वो रबर की तरह हो जाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो मसाला हमने तैयार करके रखा था। इसे करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स, फ्लेम आपने हाई रखना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है। झींगे देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल हो गए। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ रोस्टेड मसाला जो मैंने दरदरा सा पीस कर रखा था और हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मैक्सिमम टाइमिंग जो हमारे झींगों के पकाने की है वो 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम अगर आप पकाएंगे तो वो 5 मिनट है। इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया और अदरक। ये हमारा तैयार हो गया है, साइडों से ऑयल निकलना शुरू हो गया, इसे बस डिश आउट करेंगे हम। गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, मज़ेदार सी प्रॉन्स कढ़ाई तैयार है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत मज़े का फ्लेवर है। रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से सर्व किया जाता है उसी तरह से का फ्लेवर आपको मिलेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं ऑयल डालकर गर्म कर रही हूँ, ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। गार्लिक डालकर हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि उसकी खुशबू आने लगे, 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। फ्लेम हम लो ही रखेंगे। ये देखें हो गए हैं,
अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला नमक के साथ। इसको भुनूंगी, थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला जले नहीं और मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाए ताकि कच्चे मसाले की बून आए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। जब ऑयल सेपरेट सा नज़र आने लगेगा तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना कर रखा था ये मैंने शामिल कर दिया और इसे फ्राई करूँगी मैं। इसे इतनी देर हमें फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जो है बहुत जल्द इसको बना सकते हैं। अगर जल्दी में हैं और प्राउन्स आपके पास रखे हुए हैं तो 20 मिनट मैक्सिमम में ये रेडी हो जाता है। अब मैं इसमें प्राउन्स शामिल कर दूँगी और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। अब इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें साबुत। कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे इसे ताकि हमारे प्रॉन्स अच्छी तरह से पक जाएं। अब ये पक चुके हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये जो है रबर की तरह हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा। ये रेडी हो गया, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब कर लेते हैं इसे डिश आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ब्राउन फ्राइड राइस, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे हम इसे। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वोक ली है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा गर्म करूँगी और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अंडे जो मैंने फेंट कर रखे हैं। इसमें मैंने बस 1 चुटकी नमक ऐड किया था। कुछ सेकेंड के बाद मैंने इसको हिलाना शुरू किया और इसको स्क्रम्बल्ड होने तक पकाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये देखें स्क्रम्बल्ड हो गए हैं। अब मैंने दोबारा से 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, मैंने बारीक चॉप्ड कर ली थी। आप चाहें तो टेस्ट के लिहाज से इसे ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था तो मैंने ज़्यादा यूज़ किया और ये छोटी वाली हरी मिर्चें। 1 मिनट के लिए इसे सौते करेंगे। अब मैं इसमें प्रॉन्स शामिल कर रही हूँ साफ हुए हुए, ये 1 पाव के करीब है। इसे हमें बस 1 मिनट के लिए सौते करना है, ओवर कुक नहीं करना है इसे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप कटी हुई गाजर, 1/2 कप हरी प्याज और 1/2 कप जो मैंने शिमला मिर्च इस्तेमाल की है। इसे तेज़ फ्लेम पे हम सौते करेंगे अच्छी तरह से, 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। टोटल जो हमारे झींगों के पकाने का टाइम है वो है 2 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है वरना वो सख्त हो जाते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और इसमें हाई फ्लेम पर पकाऊंगी तेज़ आंच पर। बस इसे चलाते रहना है ताकि सोया सॉस और चिली सॉस का फ्लेवर जो है वो हमारी सब्जियों में और झींगों में मिल जाए। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, झींगे हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी राइस, चावल मैंने भिगो कर उबाल लिए थे, ये 1 पाव के करीब चावल हैं बगैर पके हुए और ये पक कर तकरीबन 4 कप हो गए। इसमें मैंने शामिल किया है जो स्क्रम्बल एग हमने बना कर रखा था। अब इसे हाई फ्लेम पर ही हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं 2 स्पून यूज़ कर रही हूँ
ताकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चावल बिल्कुल आपके बिखरे बिखरे से रहेंगे जब सारा मसाला और सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, बस 2 मिनट हमें मज़ीद पकाना है हाई फ्लेम पर, और ये हमारे मज़ेदार से सिंपल और बहुत क्विक बनने वाले, अगर आपके पास रात के भी चावल पके हुए रखे हुए हैं तो उससे भी बना सकते हैं, उससे और बहुत टेस्टी बनते हैं। हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।